मुंबई घाटकोपर येथील होर्डिंग दुर्घटनेनंतर शहरात सर्वत्र होर्डिंग बाबत मनामध्ये अनेक शंका गैरसमज निर्माण झाले आहेत. त्याबद्दल खुलासा करण्यासाठी शुक्रवारी औरंगाबाद आउटडोर असोसिएशन यांच्या वतीने एका पत्रकार परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. छत्रपती संभाजीनगर शहरातील होर्डिंग धोकादायक नाहीत असं या पत्रकार परिषदेत सांगण्यात आलं आहे. काही दिवसांपूर्वी जोरदार सुसाट वादळामुळे मुंबई घाटकोपर येथे मोठी होर्डिंग कोसळून मोठी दुर्घटना घडली होती. यामध्ये अनेक नागरिकांचा जीव गेला. ही घटना अत्यंत दुर्दैवी असून या घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्या निष्पाप लोकांबद्दल शोक व्यक्त करत ही दुर्घटना घडली असल्याचं होर्डिंग औरंगाबाद आउटडोअर असोसिएशन यांच्या वतीने सांगण्यात आले. या घटनेनंतर संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात सक्तीचे पावले उचलले जात असून या घटनेमुळे शहरातील नागरिकांच्या मनामध्ये शंका आणि भीती निर्माण झाली. याबाबत नागरिक आणि स्थानिक प्रशासनाला शहरातील होर्डिंग बाबत नियम अटी शर्ती आणि स्थानिक होर्डिंग धोकादायक नाहीत अशी सविस्तर माहिती देण्यासाठी असोसिएशन कडून पत्रकार परिषदेचं आयोजन करण्यात आल्याची माहिती शेख हबीब यांनी दिली आहे. सर, ये जो अभी मुंबई में होर्डिंग गिरा है, बुरी खबर है बहुत ज्यादा, लेकिन इससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया ओवरऑल महाराष्ट्र में. लोगों को होर्डिंग के रूल्स पता नहीं है, सारे लोग होर्डिंग्स को इलीगली बोल रहे हैं. तो वो हिसाब से हमने सोचे कि अपना भी एक जो पक्ष है वो कॉर्पोरेट मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखना चाहिए, सब लोगों के सामने जाना चाहिए, उसलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी. इसमें हमने जो होर्डिंग्स के रूल्स रेगुलेशन है और अपने शहर में जो होर्डिंग्स लगते हैं वो कौन से अंडर रूल्स रेगुलेशन लगते हैं और उसका क्या स्टेटस है और वो कोई धोखादायक नहीं है, इसके बारे में डिटेल देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी. बॉम्बे में जैसा हादसा पेश आया वैसा हादसा हमारे पास में पेश आ सकता है क्या? नहीं, बॉम्बे का जो हादसा है वो होर्डिंग का साइज 150 फीट बाय 150 फीट था, ऑलमोस्ट आधा एकड़ का प्लॉट था वो, और हमारे पास में जो होर्डिंग है मैक्स टू मैक्स 1200-1400 स्क्वायर फीट का होर्डिंग रहता है. ऐसा हादसा अपने शहर में होने की बहुत कम गुंजाइश है. और उसमें भी क्या है कि अपने पास फ्लेक्स लगते हैं, अपने पास होर्डिंग के ऊपर में शीट नहीं लगाया जाता, तो हो के यहाँ पे होर्डिंग बेंड हो सकता एक्सट्रीम सिचुएशन में अगर उस पर बहुत सारे फ्लेक्स लगे रहे तो. हमारे यहाँ डिप्टी कमिश्नर थेटे मैडम ने हमको कल बुलाए थे, उसमें मीटिंग में उन्होंने बताया कि सारे स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी उसके लिए उन्होंने पहले ही लेटर दिया था, बट इलेक्शन की वजह से थोड़ा डिले प्रोसेस रहा, बट अगले 15 दिन में हम वो सारी फॉर्मेलिटी कर लेंगे. हमने उनको बोला है कि आप पूरे ही होर्डिंग का स्ट्रक्चरल ऑडिट भी करा लो इन पैनल आपके स्ट्रक्चरल डिजाइनर थ्रू, तो कन्फ्यूजन ना रहे क्योंकि किसी की जान पैसे से ज्यादा बड़ी होती है. आप जिस एक्ट के तहत एनएमसी एक्ट के तहत होर्डिंग की परमिशन लेते हैं क्या उस पर सख्ती से अमल किया जाता है, उसमें कुछ हेतु हो सकते हैं? नहीं, कम से कम अपने शहर में बहुत ज्यादा सख्ती से अमल किया जाता है. उसमें कुछ चीजें हैं जो विद्रूपीकरण वगैरह की होती है, जो पॉलिटिकल बैनर लगते हैं, इस बारे में थोड़ा सा कुछ नए से डिसीजन लेने की जरूरत है. आगे हमारे इश्यूज स्ट्रक्चरल ऑडिट हो गया या उसके बाद कुछ टैक्सेशन का इश्यूज चल रहा है जीएसटी लॉ के बाद. हमारी श्रीकांत सर से मीटिंग हुई थी, उन्होंने उस दिन काफी कोऑपरेटिव से सारी बातें की है, बट अनफॉर्चुनेटली वो कहीं इलेक्शन ड्यूटी पे होने की वजह से डिसीजन नहीं हो पाया. होपफुली वो आने के बाद इमीडिएट डिसीजन होगा और सारी चीजें रेगुलराइज हो जाएंगी. शहर में कितने होल्डिंग्स है और जिसका कितने होल्डिंग का ऑडिट हुआ है, स्ट्रक्चरल ऑडिट? सर, अपने पूरे शहर में 500 अराउंड होल्डिंग है, कुछ कम ज्यादा होंगे, और ऑलमोस्ट सारे होल्डिंग का स्ट्रक्चरल ऑडिट होगा. हमने वैसे हमारे प्राइवेट स्ट्रक्चरल इंजीनियर से काम शुरू करा दिया है, बट ऑफिशियली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इन पैनल एजेंसी के थ्रू जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का लेटर आएगा हम उनकी तरफ से भी पूरा स्ट्रक्चरल ऑडिट वापस से वेरीफाई करेंगे. और हमने खुद ने एसोसिएशन के एंड से भी एक डिसीजन लिया है कि सारे ही होर्डिंग को कलरिंग या उसको अच्छे से पैनलिंग करके सिटी की खूबसूरती भी बढ़े वो हिसाब से भी हम कुछ काम करने की इच्छा है. सर, डर होना चाहिए, लेकिन अभी इसमें क्या है कि हमारे होर्डिंग वैसे ही थर्ड पार्टी और होर्डिंग इंश्योर्ड होता है, बट ये गाड़ी जैसा हो गया, जैसे इनिशियली समृद्धि हाईवे ओपनिंग होने के बाद में बहुत सारे एक्सीडेंट हुए, बट कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स के बाद अभी वो घट गए हैं. वैसे ही ये इंसिडेंट मतलब पहली बार ही हुआ है ऐसा इतना बड़ा, बट अपने पास में इतने बड़े होर्डिंग ही नहीं होते, तो आने वाले समय में हम ये कुछ ना हो इसके लिए और भी जो प्रिकॉशन लिए जाते हैं वो लेने की कोशिश करें. यावेळी असोसिएशनचे अनिल खंडळकर, अशी चटर्जी, भावे सराफ, चंद्रकुमार मलाणी आदींची उपस्थिती होती.